हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल CKS लेक्चर्स। आज का जो टॉपिक है वो MSc सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी से है, पेपर 4 टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर बायोलॉजी, यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है जिसका नाम है बायोसेंसर्स। आज के इस लेक्चर में बायोसेंसर्स क्या होती है, इसका एग्जांपल, प्रिंसिपल, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये कैसे वर्क करता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसका क्या क्या एप्लीकेशन होता है उसको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं तो बायोसेंसर्स क्या होते हैं। बायोसेंसर्स एनालिटिकल डिवाइस होता है। ये डिवाइस बायोलॉजिकल एलिमेंट को स्टडी करने के लिए, बायोलॉजिकल मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। एग्जांपल, प्रेजेंस एंड एब्सेंट ऑफ एनी बायोमॉलिक्यूल्स, लेवल कैसे अराइज करता है और उसका डिजिटली हमारे पास ये रीडिंग देता है, जैसे ग्लूकोमीटर होता है। देयर इज आल्सो एस बायोसेंसर्स। अब इसका प्रिंसिपल समझते हैं बायोसेंसर्स का, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है उसको समझते हैं। इसमें एक बायो एलिमेंट होता है जो फिट हो जाता है किसी सबस्ट्रेट के साथ, रिएक्शन करता है और हमें रिजल्ट देता है। जब उसकी रीडिंग आती है तब हमको उनका रिजल्ट पता चल जाता है और वो डिजिटली हमको क्या देता है, वैल्यू देता है। अब इसके कंपोनेंट्स को समझते हैं बायोसेंसर्स के, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ठीक है उसको समझते हैं। एनालाइट, बायो एलिमेंट, ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इस वे में ये काम करता है। ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, रिकॉर्डिंग कर देता है एंड ट्रांसड्यूस इन्फॉर्मेशन को फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो आती है उसको ट्रांसड्यूस कर देती है
इन द डिजिटल रिकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अगर लेवल देखना है हमको ग्लूकोज का ब्लड में, तब हम उसका रिएक्शन कराएंगे किसी एंजाइम के साथ। एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कर जाता है, तब हमारे पास उसका फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाएगा जो हमने सैंपल लिया है। फिजियोलॉजिकल चेंज की एक वैल्यू आएगी, वो रीडिंग देगी, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जेनरेट होगा। अब बायो एलिमेंट क्या होता है उसको समझते हैं। बायो एलिमेंट या बायोलॉजिकल कंपोनेंट या बायोलॉजिकल मटेरियल, ये सभी चीज़ एक ही शब्द है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। इसमें मैंने अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया है आगे, ठीक है, उसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बायो एलिमेंट क्या होता है, बायो एलिमेंट एक कॉम्प्लेक्स केमिकल सिस्टम होता है, किसी ऑर्गेनिज्म से इसको निकाला जाता है और इसको इसमें फिट किया जाता है। जैसे बायो एलिमेंट है एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, ऑक्सीडेजेज, पॉलीसेकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मेनी मोर, देज आर दी बायो एलिमेंट। ये सभी क्या है, बायो एलिमेंट है या बायोलॉजिकल कंपोनेंट बोल सकते हैं या बायोलॉजिकल मटेरियल है। ये बायो एलिमेंट क्या करते हैं, जैसे ग्लूकोमीटर में हम
स्टरेट को डालते हैं, उसके ऊपर ब्लड ग्रुप्स डालते हैं तो ग्लूकोज मिलता है। उस स्टरेट के ऊपर जो सेल्यूलोज की स्टेप बनी होती है उसमें ऑक्सीडेजेज एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है ग्लूकोज को ग्लूक्रोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जब ग्लूक्रोनिक एसिड बनता है तो उसकी फिजियोलॉजिकल चेंज आ जाती है और क्या होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जेनरेट कर देता है टू द ट्रांसड्यूसर। वो ट्रांसड्यूसर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देगा और डिजिटली इसकी रीडिंग आती है। इट इज अ सिंपल टेक्निक, यह सामान्य तकनीक है। अब हम लोग इसका वर्किंग समझते हैं, ये कैसे वर्क करता है उसको समझते हैं। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है बायोसेंसर्स का। तो बायोसेंसर्स में क्या होते हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल होते हैं जैसे एंजाइम, एंटीबॉडी, होल सेल, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए हो सकते हैं। चित्र में देखिए ये क्या है, एनालाइट है, और ये क्या है, एरो में मैंने दर्शा रखा है, ये क्या है बायोलॉजिकल कंपोनेंट है या बायोलॉजिकल मटेरियल है या बायो एलिमेंट है। ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट किस काम में यूज किए जाते हैं या उपयोग किए जाते हैं, तो ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट एनालाइट के इंटरेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। जब एनालाइट और बायोलॉजिकल कंपोनेंट इंटरेक्ट कर जाएंगे, ये वाला चित्र देखिए, ये एनालाइट है और ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, ये दोनों इंटरेक्ट कर गया, तब क्या होता है एक फिजिकल या केमिकल चेंज प्रोड्यूस होगा जिसे जो ट्रांसड्यूसर होता है वो क्या करता है डिटेक्ट करता है। फिर ट्रांसड्यूसर उसे फर्दर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, वो सिग्नल फर्दर आगे इंटरप्रिंट होता है और एनालाइट कंसंट्रेशन में जो कि बायोसेंसर्स का काम है कि वो एनालाइट कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज होता है। ये जो सिग्नल जिसे ट्रांसड्यूसर डिटेक्ट करता है आगे फिर एनालाइट कंसंट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है और वो एम्पलीफायर प्रोसेसर की हेल्प से कन्वर्ट होता है। एम्पलीफायर उस सिग्नल को एम्पलीफाइड कर देता है और प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है, मतलब वो सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है एनालाइट कंसंट्रेशन में जो कि डिस्प्ले आगे शो करता है।
अब मैं आपको जो बायोसेंसर्स का वर्किंग समझाया हूँ उसका नोट्स दिखा देता हूँ। अब इसके टाइप्स को समझते हैं बायोसेंसर्स के। देखिए मैंने कुछ इसके प्रकार को लिख रखा है। फर्स्ट नंबर है इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर, सेकंड है ऑप्टिकल बायोसेंसर, थर्ड है थर्मल बायोसेंसर, फोर्थ नंबर है आयन सेंसिटिव बायोसेंसर, फिफ्थ नंबर है पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर। देज आर दी टाइप्स ऑफ बायोसेंसर। ये सभी क्या है बायोसेंसर्स के प्रकार है। बेसिकली इसमें जो मेन है वो है फोटोसेल। तो फोटोसेल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है विथ दी लाइट, लाइट के साथ। थर्मिस्टर, थर्म का मतलब होता है हीट या उष्मा। ये क्या करता है, हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है या होता है, ठीक है। थर्मिस्टर में अब हम लोग एप्लीकेशन समझते हैं बायोसेंसर्स का, या अनुप्रयोग बोल सकते हैं, या महत्व, या सिग्निफिकेंस, या यूजेज बायोसेंसर का। सभी चीज़ें एक ही है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो फर्स्ट नंबर है फूड इंडस्ट्री में। फूड की इंडस्ट्री में इसका काफ़ी यूज है बायोसेंसर्स का। कोई हमने जूस बना लिया, कोई हमने पैकेट मटेरियल तैयार किया, उसकी हम वैल्यू देखेंगे कि फ्रेश है या ईयरली है, पुरानी है। फ्रेश की फिजिकल वैल्यू कुछ और होगी और जो पुरानी है उसकी फिजिकल वैल्यू कुछ और होगी।
सेकंड नंबर है। इन्वायरमेंट एस्पेक्ट्स में इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का लेवल देख सकते हैं। यहाँ वाटर क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी एंड एयर क्वालिटी तीनों तरह की क्वालिटी हमें पता चल जाता है। जैसे वाटर क्वालिटी में क्या करते हैं, बीओडी लेवल चेक किया जाता है। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। किसी जल में ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है वह जल उतना ही शुद्ध होता है, और यदि किसी जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है यानी डिमांड ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का, तो वह जल उतना ही प्रदूषित होता है। तो इसके माध्यम से वाटर की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। इसी तरह से COD लेवल भी चेक कर सकते हैं। COD का फुल फॉर्म होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। उसमें रसायन की मात्रा कितनी है, ठीक है, इसको भी चेक किया जाता है। इसी प्रकार सॉइल क्वालिटी में हम टॉक्सिसिटी कितनी है, कैल्शियम लेवल कितना है, ये चेक कर सकते हैं, या इसका पता हमको चल जाता है। थर्ड नंबर है, ब्लड में विटामिन का लेवल देख सकते हैं, हार्मोन का लेवल देख सकते हैं, आयंस इसका लेवल चेक कर सकते हैं। फोर्थ नंबर है, केमिस्ट्री में इसका काफ़ी यूज किया जाता है बायोसेंसर्स का। प्योर केमिकल ड्राई करने में विशेष इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मेथेनॉल को हमें एब्स्ट्रैक्ट करना है तो इसका इरेक्टिव मॉलिक्यूल होगा, एंजाइम होगा, इसके साथ ये क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक था वो बायोसेंसर्स पर था। जैसे ये वीडियो आपको लॉन्ग लगा होगा, आपको याद करने में परेशानी होगा, तो आप लोग सिर्फ बायोसेंसर्स क्या होते हैं उसको लिखेंगे और इसका वर्किंग मैकेनिज्म बताएंगे, ये कैसे काम करता है, और दो तीन इसके एप्लीकेशन बताएंगे। इतने में आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, देख लेना। और भी अगर अपने मन से ज़्यादा लिखना भी चाहते हैं तो आप अपने लेवल के अनुसार लिख सकते हैं, आप लोग जितना याद रख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।